में आदर्श आचार संहिता लगते ही सभी असलहों को थाने में करवाया जा रहा है जमा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा अधिकतर असलहों को थाने में करवाया जा चुका है जमा। जनपद के एनेक्सी भवन के सभागार में गुरुवार को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण विद्यालय सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। CDO संजय कुमार मीना निपुण विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। उज्ज्वल भविष्य की कामना। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए दिए निर्देश। जनपद में विकास भवन के परिसर में पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। खेल खेल में बच्चों को खिलौने के माध्यम से सीखने पर दिया गया जोर। चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का 2 मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन, 1 अवैध देशी तमंचा व 1 अवैध जिंदा कारतूस किया बरामद। SP City ने किया खुलासा। गोला थाने में छेड़खानी के आरोप में पुलिस कस्टडी के आरोपी शिक्षक की हुई मौत। परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों की तहरीर के आधार पर गोला थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित 15 अज्ञात लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा किया पंजीकृत। SSP ने कहा सीनियर अधिकारी को सौंपी गई है जांच के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई।